हेलो दोस्तों, सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम बच्चों के लिए पाव भाजी बनाने चल रहे हैं। ये हमने प्याज लिया है, ये गाजर है और ये टमाटर, ये शिमला मिर्च, धनिया और मिर्च, हरी मिर्च, ये हम बहुत बारीक बारीक से काट लिए हैं। अब ये आलू लिए हैं, हम इसको फोड़ रहे हैं, आलू को भीज रहे हैं थोड़ा सा। ये आलू को हम मिज लिए हैं, फोड़ लिए हैं थोड़ा सा। हम गैस ऑन कर रहे हैं, गैस ऑन हो गया हमारा। ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा हम इसमें देसी घी का प्रयोग कर रहे हैं, बटर भी प्रयोग कर सकते हैं आप। इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं। ये गरम हो रहा है, इसमें जीरा को डालते हैं। और हम प्याज डालेंगे जीरा डालने के बाद। प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। दो मिनट तक इसको हम ब्राउन करेंगे। अब इसमें हम हरी मिर्च को डालेंगे। इसके बाद शिमला मिर्च, थोड़ा सा इसमें अदरक भी रहे थोड़ा टेस्ट आ जाए। हम इसमें टमाटर डालेंगे, गाजर डालेंगे, हम मिलाएंगे इसको। हम ये देखिए थोड़ा सा सब मिला दिए तो पक गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। ये थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ले रहे हैं, थोड़ा सा शिमला मिर्च तीखा नमक, जिसको हम लाएंगे। हम इसमें आलू को डाल रहे हैं। नमक डाल रहे हैं। इसको हम लाएंगे अच्छी तरीके से। ये पाव भाजी मेरा रेडी हो गया है। ऊपर से हम हरी धनिया को डाल रहे हैं। ये मेरा भाजी बन के तैयार है, इसको हम प्लेट में निकाल रहे हैं। ये हो गया। ये हम पाव को काट लिए हैं, अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे।
हम दोनों तरफ को सेक रहे हैं पाव को अच्छे से। हाँ दोस्तों, देखिए इस तरह से मेरी पाव भाजी बन के रेडी है। और दोस्तों आप लोग भी ऐसे बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। देखिए इसको हम कंप्लीट कर दिए हैं, बच्चों को दे रहे हैं खाने के लिए। ये देखिए कितना अच्छा सा बना है, ये रेडी कर दिए हैं, बच्चे खाने जा रहे हैं।